Hello learners, welcome to my channel. Dear learners, अगर आपने मेरा previous video देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने अपने previous video में आपको model 1 architecture करवाया. आज मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो model 2 architecture करवाने जा रही हूँ. Model 2 architecture को MVC बोला जाता है. From competition point of view, MVC की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है. कई बार पूछा जाता है कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है इसका क्या काम है. तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज MVC, MVC इज नोन एज मॉडल व्यू कंट्रोलर. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल 1 आर्किटेक्चर और मॉडल 2 आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है कि जो मॉडल 1 आर्किटेक्चर है उसमें जेएसपी को यूज किया जाता था टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन को. लेकिन जो मॉडल 2 है एमवीसी, यहाँ पे जो मेन कंट्रोल है वो किसके पास है? कंट्रोलर के पास है. ये आप देख रहे हो डायग्राम. सो कंट्रोलर हैज द मेन कंट्रोल. जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है that in model 1 architecture a servlet known as controller servlet which intercepts all the client requests. ki jo model 2 architecture hai as compared to model 1, wahan pe controller servlet jo hai wo sari clients ki request ko kya karta hai, receive karta hai. the controller servlet performs all the initial processing and determines which JSP to display next. तो मैंने JSP के बारे में आपको बताया है that it is Java Server Pages which are used to create dynamic websites, web applications. So in this architecture, the client never sends request directly to the JSP. अगर हम इनका difference देखें, अगर paper में आपको difference आएगा तो मॉडल 1 में आप देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले किसको सेंड करी जाती है? जीएसपी को. लेकिन मॉडल 2 आर्किटेक्चर में जो मशीन है, जो ब्राउजर है, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको सेंड करता है? कंट्रोलर को. इट डज नॉट डायरेक्टली सेंड द रिक्वेस्ट टू द जीएसपी. सो दिस आर्किटेक्चर अनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन. मीन्स ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन बोथ टर्म्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस. कि किसने इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट हु इज अ वैलिड यूजर एंड हु वांट टू एक्सेस एंड व्हाट टू एक्सेस, क्या एक्सेस करना है, एंड सेंट्रलाइज्ड लॉगिन. तो आप इस लाइन को रिपीट कर सकते हो मेरे पीछे, दैट दिस आर्किटेक्चर अनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, centralized logging, etc. So once request processing is finished, servlet directs the request to the appropriate JSP. कि जो controller है, जिसको filter बोला जा सकता है, servlet बोला जा सकता है, वो request को किसको send करेगा? JSP को. JSP किसको send करेगा? Java bean को, which is a reusable component, and Java bean is written in Java programming, and Java bean जो है वो रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा? डेटाबेस को सेंड करेगा. सो एज इट कैन बी ऑब्जर्व द की डिफरेंस बिटवीन द टू आर्किटेक्चर इज द कंट्रोलर सर्वलेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉडल 2 व्हिच प्रोवाइड्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एनकरेजेस मोर रीयूज एंड एक्सटेंसिबिलिटी दैन द मॉडल 1 आर्किटेक्चर. सो मॉडल 2 आर्किटेक्चर क्लियरली प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग. डियर लर्नर्स, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ से आप इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हो. द मॉडल 2 आर्किटेक्चर जो है वो सेपरेट करता है बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को. एंड दिस सेपरेशन इज नोन एज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर. अब पेपर में इसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं. जो मॉडल 1 है उसमें डिसेंट्रलाइज नेविगेशन कंट्रोल है, बट यहाँ पे जो नेविगेशन कंट्रोल है वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पे कंट्रोल है. दैट्स व्हाई इट इज द एडवांटेज ऑफ मॉडल 2.
इट इज इजी टू मेंटेन. सेपरेशन ऑफ कंसर्न मीन्स यहाँ पे बिजनेस लॉजिक प्रेजेंटेशन लॉजिक की सेपरेशन है. इट इज इजी टू एक्सटेंड एंड इजी टू टेस्ट. बट जैसे कि हर मॉडल की एडवांटेजेस होती हैं, इसकी डिसएडवांटेज भी है. क्या डिसएडवांटेज है? दैट डेवलपर राइट्स द कंट्रोलर सर्वलेट कोड एंड इट नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड रीडिप्लॉयड. कि यहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, कि अगर कोडिंग में चेंज होती है तो उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा इफ एनी चेंजेस फॉर कंट्रोलर सर्वलेट. सो ये इसकी एक बिग डिसएडवांटेज है. सो आई होप कि आपको मॉडल वन और मॉडल टू जो है वो पता चल गया होगा, इनका डिफरेंस पता चल गया होगा, इनकी डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. और अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत इजी अटेम्प्ट कर पाओगे. सो आई होप कि आप अपने कमेंट के थ्रू बताओगे या लाइक प्रेस करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.